नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज़। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के नया गांव काली मंदिर के समीप एक घर में छापेमारी कर अवैध गैसिंग के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अवैध गैसिंग मामले में मुख्य संचालक समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों के पास से पुलिस ने 1300 रुपये नकद के अलावे अवैध गैसिंग कूपन भी बरामद किया है। बताया जाता है कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि धर्मेंद्र कुमार नामक व्यक्ति के घर पर अवैध गैसिंग के अड्डे का संचालन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर अवैध गैसिंग का अड्डा का भंडाफोड़ कर दिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपितों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। गैसिंग अड्डे पर छापेमारी किया गया था। सूचना मिला कि नया गांव स्थित काली मंदिर के बगल में एक धर्मेंद्र कुमार केसर ललित का है, साकिन खड़ा कुमार संतोषी माता गली के थाना लगभग के उनके द्वारा एक युवा अड्डा का संचालन किया जा रहा था। वहां पर भी छापेमारी किया गया तो 11 व्यक्ति पकड़े गए। क्या कुछ बरामद है वहाँ से? 1300 रुपया नगद और कूपन बरामद हुआ है। कौन जगह छापेमारी? नया गाँव स्थित काली मंदिर के बगल से।